तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे टेक न्यूज़ के बारे में। आपने बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे टेक्निकल गुरुजी, ट्रैक एंड टैक के यूट्यूब चैनल में देखे होंगे कि आपको 4 से 5 मिनट में टेक की जितने भी न्यूज़ है वो आपको 7 से 8 मिनट में देते हैं। मैं भी आज से इस चैनल में कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पर आपको टेक न्यूज़ इस चैनल पर डेली बेसिस पर प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के भी इस चैनल का पहला टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। हैशटैग टेक न्यूज़ ये पहला एपिसोड है। तो चलिए बात करते हैं पहले टेक न्यूज़ की, एप्पल की स्मार्टफोन के बारे में। तो एप्पल अपने iPhone 50 Pro का लीक्स बाहर निकल के आया है। एप्पल अपने नया डिवाइस iPhone 50 Pro और 50 Pro Max को 2023 में लॉन्च करने वाला है। और ये दोनों डिवाइस में एप्पल की फिजिकल सिम स्लॉट नहीं होगा। ये दोनों डिवाइस में एप्पल दो ई सिम का यूज करेगा। तो दोस्तों, एक्चुअली एप्पल के दिमाग में क्या चल रहा है, ये एप्पल ही जाने इसका प्लानिंग क्या हो रहा है। कभी एप्पल अपने डिवाइस में USB Type-C ऐड कर रहा है तो अपने सिम स्लॉट को भी हटा रहा है, और सिम स्लॉट की जगह अब एप्पल ई सिम का कॉन्सेप्ट को अपने डिवाइस दो डिवाइस iPhone 50 Pro और iPhone 50 Pro Max को 2023 में लॉन्च करने वाला है। सैमसंग अपने न्यू डिवाइस जो इन फ्यूचर 1-2 साल में लॉन्च होने वाला है उसमें Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आगामी 1-2 साल के बाद सैमसंग ये प्लानिंग कर रहा है कि Android 11 या ऑपरेटिंग सिस्टम को बदल करके वो गूगल के जो ओपन सोर्स है फुसिया ऑपरेटिंग सिस्टम वह अपने डिवाइस में यूज करेगा। हालांकि अभी तक यह कंफर्म नहीं हो पाया कि सैमसंग के सारे स्मार्टफोन में गूगल की ओपन सोर्स फुसिया ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेगा। कौन सा डिवाइस में यूज होगा और कब डिवाइस में यूज होगा यह अभी तक सैमसंग ने अभी तक खुलासा नहीं किया। वीवो एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाला है। वीवो की बात करें तो वीवो की B23 सीरीज इंडिया में 5 जनवरी को लॉन्च होगा। कंपनी में ने इसका टीजर को शेयर करके ये कंफर्म कर दिया कि 5 जनवरी को वीवो दो न्यू स्मार्टफोन B23 और B23 Pro इंडिया में 5 जनवरी को आ रहा है। बात करते हैं B23 स्मार्टफोन के बारे में। तो B23 में आपको फ्लैट स्क्रीन और बैक में मेटल फ्रेम देखने को मिलेगा। वहीं B23 Pro में आपको कर्व स्क्रीन देखने को मिलेगा। B23 Pro में डुअल कैमरा देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको मेन कैमरा में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा। वीवो ने टीजर को शेयर करके ये कंफर्म कर दिया कि वीवो की इस स्मार्टफोन में Dimensity 1200 चिपसेट का यूज होगा। IQ 9 सीरीज जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। IQ 9 सीरीज इंडिया में 5 जनवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसका टीजर से यह कंफर्म हो पाया है कि इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले और इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 45 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। IQ 9 Pro स्मार्टफोन में 47 mAh की बैटरी और 120 वाट की फास्ट चार्ज सपोर्ट के साथ ये दो न्यू स्मार्टफोन 5 जनवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। हालांकि इसका प्राइस को लेकर अभी तक कोई लीक्स बाहर निकल के नहीं आया। सैमसंग का फोल्डेबल फोन जल्द लॉन्च होने वाला है। सैमसंग का 3 बार फोल्ड होने वाले स्मार्टफोन जल्द लॉन्च होने वाला है। इस स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ लॉन्च होगा। और इसकी डिज़ाइन की बात करें तो इस स्मार्टफोन में जेड फॉर्मेट डिज़ाइन के साथ यह स्मार्टफोन लॉन्च होगी। सैमसंग ने इस 3 बार फोल्ड होने वाले स्मार्टफोन को का पेटेंट वीवो पर फाइल किया है। उम्मीद है यह स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च होने वाला है। Xiaomi 12 सीरीज जल्द लॉन्च होने वाला है। Xiaomi की तरफ से ये लीक आया है कि Xiaomi 12 सीरीज अपने 28 दिसंबर को चीन में 12 सीरीज स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है। Xiaomi के इस
12 सीरीज में Xiaomi 12, Xiaomi 12 X और Xiaomi 12 Pro को 28 दिसंबर को चीन में लॉन्च करने वाला है। और इस स्मार्टफोन में लॉन्च से पहले इसका लीक्स बाहर निकल गया है। Xiaomi 12 में 4 कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च होगा, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन और पिंक। इस स्मार्टफोन को लॉन्च से पहले इसका स्पेक, जैसे इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और इस स्मार्टफोन में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा और सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी दिया जाएगा। इस टेक न्यूज़ को अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।